शार्दुल ठाकुर ने बनाया अपना करियर बेस्ट 92 रन्स इन लिस्ट ए क्रिकेट और उस 92 रन्स के चलते मुंबई टीम एक अच्छे रेस्पेक्टिव टोटल करने में कामयाब हुआ। ए ह्यूज वार्म वेलकम टू द बॉयज ऑफ ऑडियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड हैशटैग क्रिकेट की बात दिल से। आज 1 मार्च को विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का एक मैच मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश सवाई मानसिंह स्टेडियम का ऊपर चल रहा है। मुंबई स्कीपर श्रेयस अय्यर ओन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। मुंबई के लिए बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज की तरह पर मैदान में उतरे मैन इन फॉर्म पृथ्वी शॉ एंड यशस्वी जायसवाल, लेकिन दोनों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया। यशस्वी जायसवाल को जाना पड़ा 2 रन्स करके और उनके साथ साथ पृथ्वी शॉ को भी सिर्फ 2 रन में जाना पड़ा पेविलियन की तरफ। नंबर 3 में श्रेयस अय्यर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन स्कीपर श्रेयस अय्यर ने कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया, उनको भी सिंगल डिजिट में पेविलियन की तरफ दिशा दिखाया हिमाचल प्रदेश का गेंदबाज ने। बहुत मुसीबत में था टीम मुंबई, 8 रन पे 3 विकेट गंवा दिया था। मुंबई ने नंबर 4 में बल्लेबाजी करने के लिए आते सरफराज खान, लेकिन सरफराज खान ने भी कुछ प्रदर्शन कर नहीं पाया, उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाया। मुंबई बहुत मुसीबत में था, बहुत मुश्किल हालत में था। फिर नंबर 5 में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एक्सपीरियंस्ड सूर्य कुमार यादव स्काई, और मैन इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव ने अपना अंदाज से खेलना स्टार्ट किया था, जो बनाता है उनको खास। मैच चाहे किसी भी हालत में हो, मैच चाहे जितने भी मुश्किल में हो, सूर्य कुमार यादव अपना नेचुरल गेम खेलने से नहीं हटते। कमाल की बल्लेबाजी किया सूर्य कुमार यादव ने, फेयरलेस अंदाज से अपना नेचुरल गेम खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने बनाया 91 रन सिर्फ 75 गेंद का फेस करके, और उनका भरपूर साथ निभाया विकेटकीपर बैट्समैन एक्सपीरियंस आदित्य तारे ने। पूरे मुंबई टीम का फैंस और मुंबई टीम का सपोर्टर्स यही चाहते थे कि मुंबई का एकमात्र उम्मीद सूर्य कुमार यादव और आदित्य तारे दोनों अंत तक खेले, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि सूर्य कुमार यादव को 91 रन पे अपना विकेट गंवाना पड़ा जब टीम का टोटल स्कोर 154/5 था। सूर्य कुमार यादव आउट होने के बाद पूरा मुंबई टीम परेशानी में था कि अब क्या होगा, आदित्य तारे का साथ कौन निभाएगा, क्या पार्टनरशिप बिल्ड हो पाएगा, अब मुंबई को इस मुसीबत से कौन निकालेगा। लेकिन नंबर 7 में हर सवाल का जवाब के लिए बल्लेबाजी करते हुए उतरे शार्दुल ठाकुर नाम का खिलाड़ी, और उन्होंने स्टार्ट किया अपना अंदाज से बल्लेबाजी करना। सिचुएशन के मुताबिक सिंगल डबल लिया अच्छे बल्लेबाज की तरह से, एक मैच्योर एक सीनियर बल्लेबाज की तरह से आदित्य तारे का साथ निभाया भरपूर से, और आदित्य तारे ने भी शार्दुल ठाकुर का साथ निभाया कमाल की तरह से। एक तरफ आदित्य तारे विकेट बचा रहे थे और दूसरे तरफ शार्दुल ठाकुर अपना गेम का समझते हुए जितना वक्त जा रहा था उतना अपना स्ट्राइक रेट को इनक्रीज कर रहे थे, और आखिर में शार्दुल ठाकुर साहब ने स्ट्राइक रेट इंक्रीज करते करते और अपना आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की चलते उन्होंने बनाया अपना करियर बेस्ट ब्रिलियंट 92 रन्स एट 161 स्ट्राइक रेट, और तब बनाया जब टीम का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। और ये ब्रिलियंट 92 रन्स बनाने के लिए शार्दुल ठाकुर साहब ने सिर्फ 57 गेंद का सामना किया और 6 4s and 6 6s भी लगाया, स्ट्राइक रेट 161। वाव, शार्दुल ठाकुर का एक्सीलेंट 92 रन्स का पीछे सीनियर मैन मैच्योर्ड मैन आदित्य तारे का भी कंट्रीब्यूशन लाजवाब, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पार्टनर की तरह पार्टनरशिप निभाया और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी भी किया, और दोनों का कमाल की एक्सीलेंट 100 प्लस पार्टनरशिप के चलते पूरा मुंबई टीम ने बनाया 321 रन्स, जो कि एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्कोर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग शार्दुल ठाकुर इज द मैन जो अपना टेक्निक, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, हिटिंग एबिलिटी, हर एक चीज़ को वक्त के साथ इम्प्रूव करने में कामयाब हो रहे हैं अपना मेहनत की वजह से। कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, यस हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। वेल डन मुंबई कर, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस।